राजस्थान विधानसभा चुनाव के दिन लगातार करीब आ रहे हैं। 25 नवंबर को वोटिंग होगी। भाजपा अभी भी अपनी तीसरी लिस्ट नहीं जारी कर सकी है। 9 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने राजस्थान चुनाव की डेट का ऐलान किया। उधर दूसरी तरफ कुछ देर में ही भाजपा ने राजस्थान चुनाव के लिए अपनी लिस्ट का ऐलान कर सबको चौंका दिया। भाजपा की इस फुर्ती को देखकर हर मतदाता उन्हें दाद दे रहा था। फिर उसके बाद भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट 21 अक्टूबर को जारी कर दी। पहली में 41 और दूसरी में 83 नामों की घोषणा की। कुल 124 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई। अब बाकी बचे 76 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा बाकी है। यानी कि भाजपा की तीसरी व चौथी लिस्ट का भी सबको इंतजार है। एक संभावना ये है कि तीसरी लिस्ट में ही सारे नाम जारी कर दिए जाएं। भाजपा के कई दिग्गज नेता जिनके नामों का भी ऐलान नहीं हुआ है वो घबराए हुए हैं और 76 उम्मीदवारों ने अपने नाम की घोषणा की आस देख रहे हैं। चर्चा में है कि 76 नामों पर चर्चा हो गई। आगामी 31 अक्टूबर को सीईसी की बैठक के बाद नवंबर की पहली तारीख को भाजपा की तीसरी लिस्ट का ऐलान हो सकता है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि 2-3 दिन के अंतराल में भाजपा चौथी लिस्ट भी घोषित कर सकती है। कांग्रेस दिग्गज नेताओं के सामने तगड़े उम्मीदवार उतारने की रणनीति। भाजपा की तीसरी लिस्ट में प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं के नाम सबको चौंका सकते हैं। सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रताप सिंह खाचरियावास के सामने मजबूत प्रत्याशी घोषित करने की कवायद चल रही है। भाजपा की मंशा है कि कांग्रेस प्रत्याशियों को इन्हें अपने क्षेत्र में ही उलझा दिया जाए।